हेलो फ्रेंड्स, पीवीआर स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए मैं आज आपको हार्मोन्स और ग्रंथि से महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी जो इन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ग्रुप डी। ठीक है, अभी आपका ग्रुप डी एनडीपीसी एनएसएससी सीजीएल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं इस समय, उन सभी में हार्मोन्स और ग्रंथि से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है गाइस? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? इंतजार करिए, इसका आंसर होगा एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो सेक्स हार्मोन्स में स्राव करती है। ओके गाइस, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि दुग्धजनक हार्मोन्स का स्राव कहाँ पर होता है? ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुग्धजनक हार्मोन्स का स्राव कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर है गाइस पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि दुग्धजनक हार्मोन्स में स्राव होता है, किसका? पीयूष ग्रंथि का। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं गाइस कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? ठीक है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क के आधार में। मस्तिष्क के आधार में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। ओके, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हमारा फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है, वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो शरीर के ताप को नियंत्रण या स्थायी रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है गाइस? नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल रहा है चलिए देखते हैं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रण करती है? चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं गाइस कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रण करती है? तो इसका आंसर होगा गाइस हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स को रिसाव करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा दोनों बाहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? कौन सा दोनों बाहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होता है वो बाहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बात करता है गाइस? नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है गाइस? इसका आंसर होगा अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथ जो होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? स्तनपाई में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? स्तनपाई में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा यकृत। यकृत जो हमारी होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि स्तनपाई की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, चलिए देखते हैं एक मिनट। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट है, यकृत शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। क्या होगा गाइस? थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन के अंदर होती है? कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन के अंदर होती है? इसका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन के अंदर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? थायराइड ग्रंथि की समानता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? थायराइड ग्रंथि की समानता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो इसका आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा? के आई। ठीक है, क्या होगा आंसर? K
के आई, ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम, एंड ऐसे क्या होता है लिपोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जब कोई एकल, ठीक है, क्या कह रहा है गाइस कि जब कोई एकल जीन एक सा अवधिक लक्षण में अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण के अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है। आंसर हमारा होगा बहुप्रभावी, बहुप्रभावी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, इसका आंसर है एफ बेंटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए, हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हार्मोन्स के कार्य करने वाले का एक उदाहरण है, ठीक है, मतलब प्रोटीन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों को, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य का नाम क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए गाइस, हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य का क्या नाम है, तो आंसर होगा फेरोमोन, ठीक है, क्या होगा, फेरोमोन जो होता है वो क्या होता है कि वो एक जाति के अन्य सदस्य को आकर्षित करने के लिए मोचित किया जाता है, ठीक है, मोचित करने वाला एक रासायनिक द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से होता है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा गाइस, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो मतलब कि शरीर की उत्तेजना से संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन्स अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन्स अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, इसका आंसर होगा एड्रिनल, एड्रिनल हार्मोन्स जो होता है वो उत्तेजना के समय में, ठीक है, अधिक उत्सर्जित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं, किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं, तो इसका आंसर होगा एड्रिनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन्स जो होते हैं उसे हम आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नरलिंग हार्मोन्स कौन सा है, नरलिंग हार्मोन्स कौन सा है, तो इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो नरलिंग हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वृद्धिकर हार्मोन्स बनाया जाता है, वृद्धिकर हार्मोन्स बनाया जाता है किसके द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धिकर हार्मोन्स बनाया जाता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है, इसका आंसर है थायराइड की अतिसक्रियता के कारण ग्रेव का रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ताप नियमन से आदमी के कंठ के किस भाग में दर्द है जिसको एडम्स एप्पल कहा जाता है, तो ये होगा थायराइड, थायराइड की उपस्थिति से, ठीक है, थायराइड की उपस्थिति से आदमी के कंठ के भाग में दर्द होता है जिसको आप एडम्स एप्पल्स, ठीक है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं गाइस, एडम्स एप्पल, ये देखिए दिया है यहाँ पे, एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घेंगा किसकी कमी के कारण होता है, है ना, घेंगा किसकी कमी के कारण होता है, तो घेंगा जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, ओके गाइस, क्या होता है,
गेंगा रोग होता है। तो इस तरीके से गाइस हमारा क्वेश्चन ठीक है कंप्लीट हुआ। तो गाइस अगर आपको लग रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हमारे फंसे हैं ठीक है, मतलब बहुत सारे एग्जाम में हमारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, तो गाइस इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा ठीक है, बहुत ही अच्छे से रिवाइज करिएगा ठीक है। आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूँगी। ओके गाइस, थैंक यू।